दोस्तों खत्म हो चुका है जुलाई और आ चुका है अगस्त, और अगस्त के महीने में हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ की कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, और इनमें से हम आपको टॉप 10 अगस्त में आने वाली फिल्मों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं अगस्त के लास्ट से, आइए देखते हैं दर्शन मजा आएगा। दोस्तों नंबर 10 पर हमारी लिस्ट की पहली फिल्म है कोबरा, और कोबरा एक तमिल इंडस्ट्री की पैन इंडिया लेवल पर आने वाली स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। वहीं इस फिल्म में आप कोचियान विक्रम, केजीएफ फेम श्रीनिधि शेट्टी, क्रिकेटर इरफान पठान विलन का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अब फिल्म बनकर पूरी तैयार से तैयार है, पर इसकी रिलीज डेट के नाम पर सिर्फ हमें अभी तक तारीख मिलती रही है। लेकिन आखिरी बार यह फिल्म 11 अगस्त से पोस्टपोन होकर इसकी रिलीज डेट फाइनल हो गई है, जो कि है 31 अगस्त 2022, और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ सभी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। वहीं फिल्म के रिलीज किए गए ट्रेलर में चियान विक्रम सर को करीब 20 से ज्यादा अलग अलग लुक में दिखाया गया है, और इस फिल्म की स्टोरी भी काफी दमदार लग रही है, जिसके बाद मैं तो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इसे देखने जाने वाला हूँ। और क्या आप भी इसके लिए एक्साइटेड है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 9 पर नेक्स्ट फिल्म है हॉलीवुड की मूवी, जिसका नाम है सेमा रिटर्न, और इस फिल्म में आपको हॉलीवुड के रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टेलोन देखने को मिलेंगे। वहीं ये इस फिल्म में एक सुपर हीरो का रोल प्ले करने वाले हैं, और ये मूवी भी मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की तरह एक कॉमिक पर बेस्ड होगी, जिसमें आपको काफी बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगा। जिसके बाद इस मूवी को 26 अगस्त 2022 को अमेज़न प्राइम वीडियोस पर रिलीज किया जाना है। दोस्तों नंबर 8 पर नेक्स्ट फिल्म है लाइगर, जो कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें आपको विजय देवर कोंडा बॉक्सर का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं करण जौहर, मतलब कि नेपोटिज्म, जिसकी वजह से आपको फिल्म में अनन्या पांडे को भी देखना पड़ेगा। पर इनके अलावा आपको फिल्म में रोनित रॉय और रमैया कृष्णा जैसे बेहतरीन कलाकार भी देखने को मिलेंगे, और इनके साथ आपको फेमस बॉक्सर माइक टाइसन का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। और लाइगर फिल्म का फिलहाल एक ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी जबरदस्त है और फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी बढ़ा रहा है। जिसके बाद लाइगर को 24 अगस्त 2022 को हिंदी, तमिल, तेलुगु और सभी भाषाओं में सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जाना है। दोस्तों नंबर 7 पर नेक्स्ट फिल्म है एजेंट, जो कि एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, और यह फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुरेंद्र रेड्डी, जिसमें आपको अखिल एक स्पाई का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इनके साथ आपको फिल्म में साक्षी वैद्या और मामूती सर भी देखने को मिलेंगे। वहीं इस फिल्म के रिलीज किए गए ट्रेलर में आपको अखिल रॉ एजेंट के रोल में काफी बेहतरीन स्टाइल में गोलियां चलाते हुए और एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये फिल्म काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। जिसके बाद अखिल की पहली पैन इंडिया फिल्म एजेंट को 12 अगस्त 2022 को सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जाना है। नंबर 6 पर नेक्स्ट फिल्म होने वाली है कार्तिकेय 2, जो की सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें आपको निखिल सिद्धार्थ, अनुपमा परमेश्वरम और अनुपम खेर देखने को मिलेंगे। वहीं इस फिल्म के 2 ट्रेलर रिलीज किए गए हैं, जो कि काफी शानदार, जानदार, दमदार और जबरदस्त हैं, जिसकी कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि अखिल भगवान श्री कृष्ण और उनकी द्वारका नगरी की खोज पर निकलता है, जो कि समुद्र में छुप गई है, और आपको इस फिल्म में काफी सारे राज खुलते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। बाकी यह फिल्म काफी अलग कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है, जिसके बाद इसे 23 अगस्त 2022 को हिंदी, तमिल, तेलुगु और सभी भाषाओं में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जा रहा है। नंबर 5 पर नेक्स्ट फिल्म है रक्षा बंधन, और रक्षा बंधन एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं आनंद एल रॉय, और फिल्म के लीड रोल में आपको अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर देखने को मिलेंगे। वहीं इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है, और इस फिल्म में अक्षय कुमार एक ऐसे भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो कि अपनी 4 बहनों की शादी करना चाहता है और किन मुश्किलों से वह इनकी शादी करता है और उसके लिए पैसे इकट्ठा करता है। ये सभी बातें आपको जबरदस्त कॉमेडी और एक बेहतरीन सोशल मैसेज के साथ फिल्म में देखने को मिलेंगी। वहीं इस फिल्म को रक्षा बंधन के त्योहार पर यानी कि 11 अगस्त 2022 को सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 पर नेक्स्ट फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, जो कि सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अद्वैत चंदन, जिसके लीड रोल में आपको आमिर खान, करीना कपूर और नागा चैतन्य देखने को मिलेंगे।
वहीं इनके साथ इस फिल्म में शाहरुख खान का एक जबरदस्त कैमियो रोल भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ऑफिशियली रूप से रीमेक होने वाली है हॉलीवुड की मूवी फॉरेस्ट गम का, जो कि काफी सक्सेसफुल मूवी थी जिसने कई दर्जनों अवार्ड जीते थे। वहीं यह फिल्म की कहानी आपको काफी ज्यादा इमोशनल करने वाली है और आपको जरूर ही पसंद आएगी, जिसके बाद इसे 11 अगस्त 2022 को सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जा रहा है। नंबर 2 पर अगली फिल्म है हॉलीवुड की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है बुलेट ट्रेन, और इस फिल्म को करीब 1000 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ बनाया गया है। वहीं फिल्म में आपको ब्रैड पिट देखने को मिलेंगे, जिसकी कहानी आपको बुलेट ट्रेन के अंदर एक मर्डर मिस्ट्री से शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, और इस बुलेट ट्रेन में आपको काफी जोरदार एक्शन और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। और ब्रैड पिट की बुलेट ट्रेन को 5 अगस्त 2022 को सिनेमा हॉल्स में रिलीज किया जा रहा है। नंबर 1 पर और हमारी लिस्ट की आखिरी फिल्म है डार्लिंग्स, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें आपको आलिया भट्ट, सैफ अली शाह और विजय वर्मा जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे, और इसका ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है जो कि काफी जबरदस्त है, और इसमें आपको काफी बेहतरीन कॉमेडी देखने को मिलने वाली है, जिसके बाद इस मूवी को 5 मई 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा रहा है। सर, हमजा के डैडी ऑफ हो गए, अल्लाह मियां उन्हें जन्नत अता फरमाए। दोस्तों, अभी इसके अलावा कई और भी मूवीज और वेब सीरीज इस अगस्त के महीने में रिलीज होने वाली हैं। अगर आप उन्हें भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बाकी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।